तो हेलो बच्चे, कैसे हैं? आशा न पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज आप लोग का इंग्लिश का नाउन और कुछ स्पोकन भी लेकर आए हैं, जिससे आप लोग स्टार्ट आज करते हैं इंग्लिश ग्रामर का शुरुआती। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। रितु प्रिंस, हाँ सभी लोग जुट गए बच्चे। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुश कुमार, यस सर। तो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले बच्चे देखेंगे, आज आप लोग का नाउन के बारे में बताया जा रहा है। हाँ तो देखा जाए, कह रहा है कि नाउन, नाउन के हिंदी क्या होता है बच्चे? संज्ञा, सभी को पता है। और आप लोग का सबसे पहले स्टार्ट किया जा रहा है ग्रामर से, नाउन से। और नाउन में याद रखिएगा आप लोग का, इसके बाद फिर स्पोकन मिलेगा, स्पोकन। तो स्पोकन का भी आज बेसिक रहेगा, बेसिक बेसिक, कुछ दोनों मिला के चले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे नाउन, आप लोग रटे होंगे, याद किए होंगे, है कि नहीं? सभी को पता होगा नाउन इज द नेमिंग वर्ड, सभी को पता होगा। और नई नई चीज़ को भी याद किए होंगे, लेकिन आज कुछ अलग देखेंगे। जैसे ऑल दैट यू कैन सी फील थिंक इज कॉल्ड नाउन। यानी कहने का मतलब है कि नाउन हम लोग क्या कहते हैं, नाउन है क्या से समझेंगे। यानी कहने का मतलब है कि सभी के सभी नाउन हैं, जिसको हम लोग सी मैंने क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। फील माने महसूस कर सकते हैं। थिंक माने यानी जो भी वस्तु है, जे है कि नहीं, ये सब को सब हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड नाउन। यानी हम लोग नाउन कहते हैं किसको, किसको जिसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और जो भी वस्तु है, ये सब के सब हम लोग क्या कहते हैं, नाउन। क्या कहते हैं? सबका नाउन कहते हैं। यानी एनी नेम इज नाउन, यानी जितना भी नाम है जो सब के सब क्या है, संज्ञा है। द वर्ल्ड दैट स्टैंड फॉर नेम, यानी जो भी वर्ल्ड में नाम है उस सब के सब जो भी नाम है उस सब के सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो ये सब उदाहरण उसी का है, संज्ञा का। अब हम लोग चलेंगे कुछ पार्ट्स की ओर, जिसको आपको समझ में आएगा यहाँ पर देखेंगे। हाँ, इसमें सबसे पहले जानेंगे कि ये जो है आपका नाउन को दो भागों में बांटा गया है, ए नो यू ए। नाउन को दो भागों में, एक हो गया है विजुअल और एक हो गया इनविजुअल। इसको बोलते हैं अदृश्य, अदृश्य, और एक को बोलते हैं दृश्य, दृश्य। हम लोग जानते हैं कि एक अदृश्य क्या कहा जाता है सर, एक दृश्य किसको कहा जाता है। अदृश्य मतलब होता है बच्चे जिसको हम लोग देख नहीं कर सकते हैं, यानी बी कैन फील, यानी सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। बी कैन फील, सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं, उसको बोला जाता है क्या चीज, इनविजुअल यानी अदृश्य। और विजुअल केरा बोला जाता है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, है कि नहीं? आगे जानेंगे
जैसे मैं हम लोग जिसको देख सकते हैं, आप विजुअल को होता है बच्चे, विजुअल, VISIBLE, विजुअल के चार भागों में बांट दिया गया है। अब कौन कौन सर? पहला आपको, दूसरा और तीसरा और चौथा। पहला है आपको पर्सन, क्या है? पर्सन, PERSON, पर्सन। पर्सन के अंतर्गत क्या आता है सर? पर्सन के अंतर्गत क्या आता है? जो भी व्यक्ति हो उस सब के सब पर्सन के अंतर्गत आता है। जैसे मैं लड़की के नाम में वो लेके चलिए प्रिया, है कि नहीं, ये सब के सब पर्सन है। ओकर बाद सुरेश, है कि नहीं, सुरेश, कमलेश, है कि नहीं, कमलेश, ये सब को जितना भी जो नाम हम बोल रहे हैं, ये सब के सब क्या है? पर्सन है। क्या है? पर्सन। उसके बाद क्या है? प्लेस, PLAC, प्लेस में चलेंगे तो प्लेस में जैसे इंडिया, क्या है बच्चे? इंडिया, INDIA, इंडिया। ओकर बाद हम लोग बिहार, बिहार, है कि नहीं, फिर आप लोग गया भी ले सकते हैं। एनीबॉडी, ये सब के सब प्लेस के अंतर्गत आया है। क्या के? श्री अलाम, हाँ, तो देखेंगे इस सब के सब प्लेस के अंतर्गत आता है। उसके बाद चलेंगे थिंग, थिंग माने क्या होता है? वस्तु, TH ING, थिंग माने क्या होता है? वस्तु। तो आप जानेंगे वस्तु में क्या क्या आएगा सर? जैसे मैं बुक, BOOK, बुक माने क्या होता है? किताब। ओकर बाद पेन, है कि नहीं, ओकर बाद आप लोग कपड़ा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बेंच भी लिख सकते हैं, BENCH, बेंच। ये सब के सब थिंग के अंतर्गत आता है, यानी वस्तु के अंतर्गत। ओकर बाद एनिमल, एनिमल में AMAL, अब एनिमल के अंतर्गत भी जो आता है, जैसे मैं आपको हो गया काउ, COW, काउ। ओकर बाद हो गया HEN, हेन। इस सब के सब एनिमल के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ तक समझ में आया, यानी विजुअल तक समझ में आया तो बोलिए, विजुअल तक समझ में आया? अभिषेक रंजन, लिख कर दो भाई, सभी लोग नाउन कहते हैं। हाँ, समीर पासवान, राम राम जी, गुड। चले बताएं बच्चे, यहां तक समझ में आया? अभिषेक जी, लव जी, समीर पासवान, अभी अभिषेक यादव, लव कुमार यादव, प्रवीण कुमार, सूरज कुश, समझ में आया बच्चे? यस करें। नाउन को दो भागों में बांटे हैं, एक विजुअल और एक इनविजुअल। विजुअल मतलब होता है बच्चे दृश्य, इनविजुअल माने होता है दृश्य, यानी विजुअल माने होता है दृश्य और इनविजुअल माने होता है दृश्य। जैसे में पर्सन में कहा जाए तो किसी व्यक्ति के नाम ले लीजिए, प्लेस में कहा जाए तो किसी जगह का नाम ले लीजिए, थिंग में कहा जाए तो किसी किताब कॉपी के नाम भी ले सकते हैं, एनिमल में कहा जाए तो किसी जानवर को भी ले सकते हैं, है कि नहीं बच्चे? ओकर बाद इनविजुअल, इनविजुअल में जिसको हम लोग महसूस करते हैं, क्या करते हैं? महसूस करते हैं, हाँ, तो जिसको हम लोग महसूस करते हैं, जिसको, अब चलेंगे जैसे में नेम ऑफ क्वालिटी, तो क्वालिटी में आ जाता है जिसको हम लोग महसूस नहीं करते हैं बच्चे। जैसे में ब्यूटी, ट्रूथ, ब्यूटी माने क्या होता है? सुंदरता, है कि नहीं, ट्रूथ माने क्या होता है? सच्चाई। तो यह एक क्वालिटी के नाम है, क्या है बच्चे? क्वालिटी। आई आता है क्या चीज में? इनविजुअल में, यानी कह सकते हैं जिसको हम लोग अनुभव करते हैं, क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, है कि नहीं? परीक्षा में ऊपर लेवल पर जाइएगा तो इस एंगल से भी पूछता है बच्चे, समझे? आप पढ़िएगा कैसे और पूछ सकता है घुमा के कैसे। तो याद रखिएगा, यहां पर समझना है कि क्वालिटी की सवाल हो तो नेम ऑफ क्वालिटी, तो क्वालिटी में ब्यूटी हो गया, ट्रूथ हो गया, ट्रूथ मतलब क्या होता है? सच्चाई, है कि नहीं? ब्यूटी, BEAUTY, ओकर बाद ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ, ट्रूथ मतलब क्या होता है? सच्चाई, है कि नहीं? और इसके बाद अगर बढ़ते हैं कि नेम ऑफ अ स्टेट, तो यानी कहने का मतलब है कि जैसे में हम लोग के डेथ हो गया, डेथ माने क्या होता है? मृत्यु, सभी को पता है ना, डेथ, DEATH, डेथ माने क्या होता है? मृत्यु।
लाइफ, LIFE लाइफ, ये सब के सब जो है बच्चे एक तरह से हम लोग फील करते हैं, यानी वी कैन फील. क्या करते हैं हम लोग? वी कैन फील, यानी हम लोग सिर्फ तो सिर्फ महसूस करते हैं. हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं, है कि नहीं? और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेम ऑफ एक्शन. एक्शन मतलब जानते हैं? एक्शन मतलब जानते हैं, यानी एक्शन मतलब होता है एक्टिव, कोई भी काम करने के लिए एक्टिव होना. तो जैसे वर्क है कि नहीं, वर्क, WORK, वर्क, वर्क भी करना एक एक्शन के अंतर्गत आता है. ओके, बाद ड्यूटी, DUTY, ड्यूटी मैंने क्या होता है? कर्तव्य है ना, जिसे काम करते हैं ये कर्तव्य है. तो इस सब के सब बच्चे क्या है? इस सब के सब एक्शन है. क्या है? एक्शन, इंडिविजुअल का एक्शन है. ओकर बाद कुछ मोमेंट्स, क्या होता है? मूवमेंट, मूवमेंट. इस सब के सब क्या है? सब के सब क्या है? इंडिविजुअल. यहाँ तक समझ में आया? अगर आया तो आगे हम बढ़ सकते हैं. बोलिए. बोला जाए, आया तो बोलिए सभी लोग. यस, कम से कम तो कर सकते हैं ना. यस कर सकते हैं ना. चलिए, तो इसके बाद, हाँ यस सर. सूरज भान सिंह, सूरज जी, प्रवीण, यस सर, लव कुमार, यस सर, प्रीतम बिहार पुलिस, यस सर, अभिषेक रंजन, यस सर, स्टेट मीनिंग डेथ एंड लाइफ होगा. हाँ हाँ ठीक है. तो इसके बाद अगला पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि मॉडर्न में ग्रामर को अब चेंज कर दिया गया है. बच्चे ग्रामर को क्या किया गया है? चेंज कर दिया गया है. ऐसे अगर जो लास्ट में जुटे हैं, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इसको हम हटा रहे हैं. ये नाउन का भाग हुआ, NOUN, नाउन. नाउन माने होता है संज्ञा. संज्ञा को हम लोग दो पार्ट में बांट दिए, एक विजुअल और एक इनविजुअल. कितना? एक विजुअल, एक इनविजुअल. माने एक को हम दृश्य, एक हो गया अदृश्य. जिसको हम देख सकते हैं वो दृश्य में चल गया. और यही पर मैंने प्रश्न में पूछ देता है परीक्षा में, तो लगता है कि हम तो रटे थे संज्ञा सर्वनाम सभी रट गए हैं, लेकिन पूछ रहा है किस एंगल से. अब वो पूछेगा कि कौन है जो इनविजुअल है कि नहीं, और कौन है जो इनविजुअल नहीं है. तो हम लोग वहाँ पर डर जाते हैं, ये नहीं सोचते कि ये तो पढ़े नहीं है. नहीं, पूछेगा इस एंगल से, है कुछ नहीं. तो विजुअल मतलब होता है क्या? दृश्य. इनविजुअल मतलब होता है अदृश्य. बस इस टाइप से पूछता है, क्वेश्चन उठाता है. अब विजुअल में हो गया आपका पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल. इस सब को हम लोग देख सकते हैं. देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं कि नहीं बच्चे? लव कुमार यादव अभी बोल रहे हैं, यस सर, यस सर. सुनते हैं तब सर? अरे सुन तो रहे हैं, लेकिन एक बार और सबके दिखा दे रहे हैं. कुछ बच्चे लेट से जुट रहे हैं तो एक बार रिवीजन मार दे रहे हैं. तो देख लीजिए, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इस सब के सब विजुअल है. जैसे हमें पर्सन में आ गया, किसी लड़का के ले लो, किसी लड़की का नाम ले लो. जैसे सुप्रिया हो गया, सुरेश हो गया, कमलेश हो गया, महेश हो गया, रमेश हो गया, राजा दशरथ हो गया. इस सब के सब पर्सन में आ जाएगा, यानी विजुअल में. और दूसरा है प्लेस. प्लेस में हो गया, जैसे इंडिया हो गया, बिहार हो गया, अपना गया जिला हो गया, और एंड इस सब के सब हो जाएगा प्लेस में. थिंग में क्या हो जाएगा? जैसे वस्तु में, बुक हो जाएगा, पेन हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, है कि नहीं, लाइट हो जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा. ये सब के सब क्या जाए? थिंक में. एनिमल में आ जाइए, एनिमल में आ जाता है काऊ हो गया, है कि नहीं, हेन हो गया, है कि नहीं, गोट हो गया, बकरी हो गया. तो ये सब के सब आ जाएगा एनिमल में. और इस सब अगर कहा जाए कि सब चारों जो है, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, कोची में आता है विजुअल में. अब चलेंगे इनविजुअल में, जिसको हम लोग महसूस नहीं करते हैं, सॉरी सिर्फ महसूस करते हैं, सॉरी. अब जानेंगे एक में कोची कोची आ जाता है, क्वालिटी है कि नहीं, स्टेटिंग और एक्शन. इस सब के तीनों के तीनों आ जाता है कोची के अंतर्गत, इनविजुअल अदृश्य के अंतर्गत. जैसे हमें ब्यूटी, ब्यूटी मैंने सुंदरता होता है. ट्रुथ मैंने क्या होता है? सच्चाई होता है. तो इस सब के सब देखते नहीं है, एक अनुभव करते हैं, सिर्फ अनुभव किया जाता है. ओकर बाद नेम ऑफ स्टेट, यानी डेथ, मृत्यु, एक लाइफ, ये एक कास्मिक है. जैसे जानते हैं कि एक जिंदगी है, एक मृत्यु हो गया.
आ गया है नेम ऑफ एक्शन। तो एक्शन के भी बारे में, जैसे में हम लोग वर्क कर रहे हैं तो एक तरफ से एक्टिव है कि नहीं, ड्यूटी मैंने अपना कर्तव्य कर रहे हैं, है कि नहीं, मूवमेंट्स मैंने उस किस टाइप का मूवमेंट्स है उस जगह पर। तो ये सारी चीज है जो बच्चे इनविजुअल है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए बच्चे। सूर्य कुमार यादव, हेलो सर। यारे भाई कौन जुट गया? सूर्य कुमार यादव आप तो मुंबई से हो ना? चलिए लाइक है, ठीक है आगे बढ़ रहे हैं, चलेंगे बच्चे। अब यहां हम लोग समझेंगे, अब यहां पर चलेंगे कि सर मॉडर्न की आधार से, मॉडर्न आप लोग को पता होगा, मॉडर्न MODERN है कि नहीं? मॉडर्न, मॉडर्न किसको किसको पता है? MODERN मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। आधुनिक ग्रामर के अनुसार बच्चे दो भागों में हम लोग को बांट दिया गया है, एक तीन भागों में बांट दिया गया है कि नहीं? अब जैसे आप लोग का पता होगा, जैसे में हम लोग जानते हैं कि पहलका को बांट दिया गया है प्रोपर, PROPER प्रोपर हो गया ना, और दूसरका के हम लोग के क्या बांटा गया है बच्चे? कंटेबल, यानी CONTABLE कंटेबल। और तीसरा के क्या बना बताया गया है? अनकंटेबल, UNCOUNTABLE। अब जानेंगे अनकंटेबल, कंटेबल और प्रोपर, ये सब है नाउन, क्या है? नाउन। ये भी क्या है? नाउन। ये भी क्या है? नाउन। अब जानते हैं हम लोग कि सर प्रॉपर जो कहा जाता है ऑलरेडी, यानी कहने के मतलब है प्रॉपर जो खास का बोध हो। अब खास में आप लोग का सभी को पता होगा कि प्रॉपर में जैसे उदाहरण तौर पर हम लोग लेके चलते हैं कि नेपाल है कि नहीं, नेपाल राम है कि नहीं, और भी हम लोग ले सकते हैं संडे, SUNDAY है कि नहीं, ओकर बाद हम लोग लिख सकते हैं यानी गंगे, GANG गंगेज। अब हम लोग चलेंगे कंटेबल में, सर कंटेबल में क्या होगा? कंटेबल में जिसको गिन सकते हैं बच्चे, जैसे मैं COW काउ है कि नहीं, काउ भी है जो गिन सकते हैं। ओकर बाद हो गया क्लास, CLASS क्लास, क्लास को भी हम लोग गिन लेंगे है कि नहीं। ओकर बाद लेग, LEG लेग, लेग को भी हम लोग गिन लेंगे। रिवर, RIVER रिवर को भी हम लोग गिन लेंगे, गिन लेंगे कि नहीं। आर्मी, ARMY आर्मी। स्टेट, STATE स्टेट। ओकर बाद स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट। इस सब को सब क्या करेंगे बच्चे? गिन लेंगे, गिन लेंगे ना। अब हम लोग जानेंगे अनकंटेबल, क्या जानेंगे? अनकंटेबल। अब अनकंटेबल मतलब जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, जैसे में ऑयल, OIL ऑयल माने तेल, वाटर, WATER वाटर माने क्या होता है? पानी। आओ अगर हम लोग लेके चल सकते हैं तब फ्रेंड नॉलेज भी ले चलिए, KNOWLEDGE नॉलेज माने क्या होता है? ज्ञान है कि नहीं। ओकर बाद लव, LOV लव माने प्यार करना। इस सब के सब अनकंटेबल है, क्या है? अनकंटेबल। सब के सब क्या है? अनकंटेबल है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया? हाँ श्री आलम सर, राय सर। लव सूर्या। तो याद रखिएगा ये सब के सब जो है जो बेचारा क्या है, ये प्रॉपर हो गया, ये कंटेबल हो गया बच्चे, आई हो गया अनकंटेबल। ये ग्रामर को तीन भागों में बांटा गया है मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, यानी आधुनिक, आधुनिक ग्रामर के अनुसार, कोजी आधुनिक के अनुसार, आधुनिक ग्रामर के अनुसार तीन भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन? प्रॉपर यानी खास, कंटेबल जिसको गिन सकते हैं गणनीय, और अनकंटेबल जिसको नहीं गिन सकते हैं अगणनीय। कौन कौन? प्रॉपर जिसको खास, कंटेबल जिसको गिन सकते हैं, अनकंटेबल जिसको गिन नहीं सकते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ
यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं ना, राइस। समझ में आया बच्चे? अगर समझ में आया तो इसके बाद हम लोग स्पोकन की ओर बढ़ेंगे। अब फिर यही आप लोग का है कि नहीं? यस सर, यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए संज्ञा के पांचों भेद जो होता है ये आपको मॉडर्न के अनुसार तीन गो होता है और संज्ञा के ऐसे पांच गो होता है। पांच गो में आप लोग का थोड़ा सा एक बार जरूर देखना है कि प्रॉपर जो हो गया वो एक स्पेशल हो गया और कंटेबल है जो दो गो मिलकर बना है। बच्चे कंटेबल जो है वो दो गो मिलकर बना है। कौन कौन याद रखिए, ये कंटेबल है जो पहला मिलकर बना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन, COMMON, कॉमन नॉन, माने जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं। और क्या मिलकर बना है, कलेक्टी है कि नहीं, CALLECTIV कलेक्टी माने समूह। ये दोनों मिलकर बना है कौन, ये दोनों मिलकर कौन बना है जिसको हम बोलते हैं कंटेबल। और अनकंटेबल कौन कौन मिलकर बना है जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल, MATERIAL मटेरियल। और अबस्ट्रेट, ABSTRACT अबस्ट्रेट। ये दोनों नाउन मिलकर क्या बना है, अनकंटेबल। क्या बना है, अनकंटेबल। समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसमें आपका अब आपका मिलेगा स्पोकन की ओर चलेंगे। यहां सभी को दिख रहा है, एक बार दिख रहा है तो यस करें। दिख रहा है, दिख रहा है बच्चे? हाँ यस सर, सभी लोग एक बार यस सर करिए। अगर दिख रहा है तो यस सर करें। और लाइक और डेली यूज, यानी जो हम लोग को डेली यूज करने के लिए जो मीनिंग है जो मिले। देखिए तो अब चल रहा है, क्या हुआ सर? चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था बुझा। अभी देखकर बताइए चल रहा है कि नहीं। रंजन कुमार, चल रहा है बच्चे? देखिए एक बार, चल रहा है सर अब श्री। हाँ चल रहा, अब चल रहा है सर। बहुत देर पर आए सर, देर पर आए नहीं, नेट प्रॉब्लम हो रहा था। नेट प्रॉब्लम जल्दी जल्दी करिए, नेट प्रॉब्लम कभी कल हो जाता है। बहुत देर पर आए सर। चलिए यहाँ देखेंगे बच्चे, तो हम सवाल उठा दिए थे और कि बताइए नॉन लिविंग मतलब समझते हैं कि नहीं, ये पूछ रहे थे। नॉन लिविंग मतलब समझते हैं कि नहीं? हाँ बताइए, नॉन लिविंग मैंने क्या होता है बच्चे, कोई बता सकते हैं? ईट का प्रयोग हम लोग यहाँ पर लिख रहा है कि यह होता है, लेकिन नॉन लिविंग कोस्ट में कर दिया है और एनिमल्स। बताइए नॉन लिविंग मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग मतलब किसी का पता है? चलिए यहाँ देखेंगे, ईट्स, ईट्स मैंने होता है इसका या इसकी, नॉन लिविंग थिंग एनी एनिमल्स के लिए। आस, आस मैंने क्या होता है, हमें,
होता है कि नहीं? मी, मी मैंने क्या होता है? मुझे। मी मैंने क्या होता है? मुझे, बच्चे, है कि नहीं? आगे बढ़ेंगे, यहां पर देखेंगे वीच, वीच मैंने होता है कौन सा, भाई मैंने क्या होता है क्यों, भेन मैंने क्या होता है कब, हाउ मैंने क्या होता है कैसे, और हुज मैंने क्या होता है किसका, क्या होता है कुछ किसका, हुज मैंने क्या होता है किसका, कोई दिक्कत? यहां देखेंगे हुम, हुम मैंने क्या होता है किसे, वेयर, वेयर मैंने क्या होता है कहां, व्हाट फॉर किस लिए, व्हाट फॉर किस लिए, क्या होता है व्हाट फॉर किस लिए, व्हाट एवर क्या होता है, जो भी, जो भी, और व्हेन एवर मैंने क्या होता है जब भी, क्या होता है जब भी, व्हेन एवर मैंने क्या होता है जब भी, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं बच्चे, सम, सम मैंने क्या होता है कुछ, ऑल मैंने क्या होता है सब, ऑलवेज मैंने क्या होता है हमेशा, नेवर मैंने क्या होता है कहीं नहीं, यानी सम टाइम मैंने कभी कभी, है कि नहीं? सम टाइम मैंने कभी कभी, है कि नहीं? यहां देखेंगे ऑफ्टेन, ऑफ्टेन मैंने क्या होता है बच्चे, किस लिए, हाँ सूरज कुमार बिल्कुल जी, ऑफ्टेन मैंने क्या होता है अक्सर, फोर मैंने क्या होता है बच्चे के लिए, विथ मैंने क्या होता है के साथ, टूवर्ड्स मैंने क्या होता है की ओर, और इनसाइड मैंने क्या होता है अंदर, इनसाइड मैंने क्या होता है बच्चे अंदर, तो याद रखिएगा। और ये आप लोग का कल फिर मिलेंगे स्पोकन प्लस नाउन का ऑब्जेक्टिव, एन ओ यू ए नाउन का ऑब्जेक्टिव, ओ बी जे ई सी टी आई डी, जिस तरह से एग्जाम में पूछता है, आपको एग्जाम में जो पूछा हुआ प्रश्न को लाएंगे, एग्जाम से पूछने वाले प्रश्न को याद रखिएगा। 8, 10 गुड नाइट सर, रखिएगा। हाँ अभिषेक जी, कुश जी, सूर्य कुमार यादव जी, और लगभग आप लोग सभी का धन्यवाद, क्योंकि लास्ट तक आप लोग डटे रहे, और मैं आप लोग का बहुत बहुत आभार हूँ, क्योंकि आपने शुरू से वीडियो को पूरी तरह से देखा है। मैं आपका उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ, क्योंकि आप लोग समय दिया, बहुमूल समय आप लोग जो समय देकर, और आप लोग जो मोबाइल में फालतू में गाना वगैरह जो चलाते हैं बच्चे, उनसे से आप लोग हट कर कम से कम समय दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, थैंक यू।